नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इससे हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम बात कॉपीराइट से जुड़े कानून की करेंगे और उसकी जानकारी देंगे। कॉपीराइट बौद्धिक संपदा से जुड़ा हुआ मामला है। कॉपीराइट कानून महत्वपूर्ण कानून है जो आपके मौलिक कार्य को सुरक्षा का आश्वासन ही नहीं अधिकार भी देता है। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई कार्य कर रहे हैं और जब वो लोगों में पॉपुलर हो जाता है ठीक तभी उसी नाम से कोई दूसरा आपकी कॉपी करना शुरू कर देता है। ऐसी स्थिति में कंफ्यूजन होता है कि असली मालिक कौन है और नकली कौन है। इसके अलावा आपके कार्य की मौलिकता भी नष्ट हो जाती है, काम की चोरी होती है, जाहिर तौर पर ऐसे में भारी नुकसान होता है। सवाल उठता है कि इससे बचने के क्या उपाय हैं, तो उसका ही जवाब है कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब यही है कि ओरिजिनल काम की कोई कॉपी नहीं कर सकेगा और उस पर आपका हक बना रहेगा, उसकी मौलिकता बनी रहेगी। कॉपीराइट के अंतर्गत फिल्म और साहित्य से जुड़े काम तो आते ही हैं, साथ ही साथ लेखन, साउंड रिकॉर्डिंग, बिजनेस स्टार्टअप इत्यादि भी इसमें अलग अलग स्तर पर शामिल है। कॉपीराइट किसी भी लेखन संबंधी कार्य, म्यूजिक संबंधी कार्य, पेंटिंग, फोटोग्राफी, कलाकृति यानी कला से जुड़े काम, कुछ प्रकाशित होने वाला दिखने वाला कंटेंट हो या फिर काम फिल्म और टेलीविजन से जुड़ा हुआ कार्य हो सकता है। कॉपीराइट में टीवी और रेडियो का ब्रॉडकास्ट भी शामिल है। आज देश में कॉपीराइट कानून है जो मौलिकता के अधिकार की सुरक्षा करता है। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारी। विस्तार से जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ पेटेंट अटॉर्नी आरपी यादव जी। आरपी यादव जी, आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो आप कॉपीराइट से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। एक बार विषय आपको फिर से बता देते हैं, कॉपीराइट से जुड़ी हुई तमाम कानूनी जानकारी आप इस कार्यक्रम से जुड़कर हमारे साथ इस नंबर्स पर कॉल कर आप ले सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर आप कॉल कीजिए और हमारे कानूनी विशेषज्ञ के साथ जुड़कर इस पर आप कानूनी सलाह ले सकते हैं, राय मशवरा कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 01206127937, 01206127938। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आरपी सिंह जी, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि कॉपीराइट एक्ट क्यों बनाया गया है? देखिए, कॉपीराइट एक्ट बनाने का मेन मकसद ये है कि जो क्रिएटर है, जो ऑथर है, उसको अपने राइट मिले, उनको किस तरह का रिकॉग्निशन मिले। अगर पुराने जमाने में देखें तो पहले तो लोग कुछ भी दिखा करते थे, कहीं पत्ते पे लिख दिया तो कहीं किसी ने किसी और कहीं लिख दिया, और उस जमाने में लोग एक दूसरे को कॉपी नहीं करते। लेकिन जब ये टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो ही रहा है, और जब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कॉपी करना आसान हो गया, तो जो ओरिजिनल ऑथर हैं उनकी जो कृतियां थी वो कॉपी होना आसान हो गया और तो लोग करने लगे। और उस वक्त ये पता नहीं लगता था कि इसका ओरिजिनल राइटर कौन है, ओरिजिनल ऑथर इसका बुक का या काव्य का कौन है। तो इसी सब को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जब अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर रहे थे, तो 1914 में कॉपीराइट एक्ट लाए और ये यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट जी। सब्सिक्वेंटली विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंजेज आते गए, टेक्नोलॉजिकल चेंजेज आते गए, और इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, तब फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस एक्ट को दोबारा से अमेंड किया विद द रिक्वायरमेंट ऑफ अवर कंट्री, और फिर ये एक्ट बना द कॉपीराइट एक्ट 1957। जी बिल्कुल। आरपी यादव जी, कॉपीराइट का क्या महत्व है? जहां तक महत्व की बात है, तो कॉपीराइट जो है वो अगर मैं बिल्कुल तीन शब्द में कहूं जी, तो राइट टू कॉपी का मतलब ये हुआ कि जो ओरिजिनल ऑथर है, जो ओरिजिनल क्रिएटर है ऑफ कॉपीराइटेड वर्क, सिर्फ उनको ही ये राइट है कि वो उसे रिप्रोड्यूस करे या कॉपी करे, किसी और को ये राइट नहीं है कि वो उसको कॉपी कर ले विदाउट द परमिशन ऑफ द ओरिजिनल
ऑथर और ओरिजिनल राइटर। जी बिल्कुल, यही इसका खास महत्व है कि दूसरे को ये राइट नहीं दिए जाते। मोनोपोली राइट सिर्फ और सिर्फ वेस्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑथर में या क्रिएटर ऑफ द कॉपीराइट वर्क। बिल्कुल आरपी यादव जी, कॉपीराइट एक्ट क्या है, क्यों बनाया गया, इसका महत्व क्या है, ये आपने बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को समझाया। ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि कॉपीराइट कानून के जो तीन तत्व हैं वो क्या कुछ हैं? जी, तो कॉपीराइट के जो तीन असली तत्व हैं या एलिमेंट हैं जी, वो सबसे पहले तो है क्रिएटिविटी। आपके अंदर समथिंग न्यू यू हैव क्रिएटेड। दूसरी चीज है ओरिजिनलिटी। ये जो क्रिएटिविटी है किसी और की नहीं होनी चाहिए जी, किसी और की आपने कॉपी की और कह दिया कि ये निकली है, ऐसा नहीं होना चाहिए जी। उसमें ओरिजिनल वर्क होना चाहिए, चाहे वो आर्टिस्टिक वर्क है, चाहे वो लिटरेरी वर्क है, चाहे वो कुछ भी है, वो आपका अपना होना चाहिए, इट शुड बी ओरिजिनल। और तीसरा है दैट आइडिया और वर्क शुड बी एक्सप्रेस्ड इन टेंजिबल फॉर्म। जैसे कि आपने किताब लिखी, किताब को आपने लिखा, उसकी एक टेंजिबल फॉर्म बन गई। जब फिजिकल कॉपी बन जाती है, सॉफ्ट कॉपी बन जाती है, उसके बाद फिजिकल कॉपी बन जाती है, छप जाती है किताब की फॉर्म में, तो वो एक टेंजिबल फॉर्म में आ जाती है। तो ये तीन जो हैं वो खास एलिमेंट हैं कॉपीराइट। बिल्कुल यादव जी, कॉपीराइट का उल्लंघन कैसे होता है, कौन सी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, क्या कुछ ऐसा होता है जब हम ये कह सकते हैं कि जो कॉपीराइट है उसका उल्लंघन हुआ है? जी देखिए, जब कोई पर्सन अनऑथराइज्डली किसी दूसरे के वर्क को कॉपी करता है, तो ओरिजिनल राइटर जो था, ओरिजिनल क्रिएटर जो था, उसके अधिकारों का उल्लंघन करता है जी, और इसको कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट बोला जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ जी। शायद आपने सुना होगा रामेश्वरी फोटोकॉपी केस, इसको कुछ लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी केस भी कहने लगे। और इस केस में हुआ क्या था, इस केस में हुआ ये था कि जो प्रोफेसर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उन्होंने एक कंटेंट तैयार किया जी, वो बेस्ड ऑन द बुक्स विच वर बीइंग पब्लिश बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, विच वर बीइंग पब्लिश बाय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, विच वर बीइंग पब्लिश बाय टेलर एंड फ्रांसिस ग्रुप। और इनकी जो किताबें थी उनकी कीमत अगर आप देखेंगे तो दसियों हजार, 15,000, 25,000 की एक एक किताब जी। इंडिया आप जानती है, इंडिया इज स्टिल ए डेवलपिंग कंट्री, इट्स नॉट अ फुल्ली डेवलप्ड कंट्री जी, क्योंकि हमारे यहाँ के स्टूडेंट इस लायक नहीं है कि वो 25,000 की किताब खरीद पाए, 15,000 की खरीद पाए। तो प्रोफेसर्स ने मिलके कंटेंट तैयार किया, और जो रामेश्वरी फोटो कॉपी वाला था जो यूनिवर्सिटी के कैंपस में अंदर ही था, उसको कहा कि भाई तुम इसकी कॉपी बना दो जिससे कि बच्चों को सप्लाई कर दो, और बहुत कम पैसे में, 1,000 रुपए, 500 रुपए, 1,500 रुपए में वो उन्होंने सप्लाई कर दी। जब ये बात ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस को पता लगा, तो उन्होंने एक केस फाइल कर दिया दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जी। और सिंगल जज बेंच ने उनको ये कहा कि भाई ये तुम रोक दो। तब फिर यूनिवर्सिटी जो है वो जाती है वहां पे अपील में, और दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि कीपिंग इन कंडीशन ऑफ द इंडियन स्टूडेंट एंड दीज कॉपीज हैव बीन मेड बाय द रामेश्वरी फोटोकॉपियर जस्ट टू फैसिलिटेट द स्टूडेंट नॉट टू अर्न द मनी इलीगली और अनऑथराइज्ड। और उसके बाद फिर ऑक्सफोर्ड प्रेस, यूनिवर्सिटी प्रेस को जब ये पता लगा कि अब कोर्ट ये कहने लगे कि इंडिया तो डेवलपिंग कंट्री है, अभी डेवलप्ड कंट्री नहीं है, एंड द स्टूडेंट ऑफ दिस कंट्री कैन नॉट अफोर्ड द बुक्स ऑफ 25,000 रुपीज, तो उन्होंने खुद ही जाके, जब ये केस आखिर में जाके हाईकोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, तो उन्होंने खुद ही ये केस हाईकोर्ट में ही विड्रॉ कर दिया जी। सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले ही वो विड्रॉ किया, ठीक है हम इसको विड्रॉ कर जी। जी बिल्कुल आरपी यादव जी, कई और सवाल हैं जो इस विषय से जुड़े हुए हैं, कॉपीराइट से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी दे रहे हैं, और जिसके लिए हमारे साथ लगातार बने हुए हैं हमारे कानूनी विशेषज्ञ पेटेंट अटॉर्नी आरपी यादव जी। अगर आपका भी इस विषय से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है और आप इससे जुड़ी हुई कोई जानकारी चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर आप कॉल करके हमारे कानूनी विशेषज्ञ के साथ जुड़कर तमाम सवाल जवाब कर सकते हैं, इस पर राय मशवरा भी कर सकते हैं। आरपी यादव जी, अगर किसी की बौद्धिक संपत्ति जैसे पुस्तक हो गई, स्क्रिप्ट की कोई अगर चोरी
कर लेता है तो क्या कुछ किया जा सकता है, कैसे, कहां पर, किस जगह पर शिकायत लिखवाई जा सकती है और इस संदर्भ में कॉपीराइट अधिनियम के बारे में भी हमारे दर्शकों को अच्छे से जानकारी दे दीजिए। जी, तो कॉपीराइट एक्ट इतना बढ़िया एक्ट बनाया है जिसमें दोनों तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है, दोनों तरह के ज्यूरिसडिक्शन, दोनों तरह की चीजें अवेलेबल है, क्रिमिनल रेमेडी एज वेल एज सिविल रेमेडी। जी, दोनों ही रेमेडी यहाँ प्रोवाइड की गई। तो अगर किसी ने कॉपीराइट इंफ्रिंज किया तो उसके खिलाफ जो ऑनर ऑफ द कॉपीराइट है वो अंडर सेक्शन 55 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट पुलिस स्टेशन में जाके अपनी कंप्लेन दायर कर सकते हैं, लिखवा सकते हैं, FIR कर सकते हैं कि फला साहब, फला कंपनी मेरे कॉपीराइट वर्क को कॉपी कर रहे हैं जी और अनऑथराइज्डली मॉनेटरी बेनिफिट ले रहे हैं। और पुलिस को ये राइट है कि वो सीधे सीधे जाके बगैर कहीं कोर्ट में जाए हुए वो रेट डाले उस प्रमाइजेस पे, और अगर इंफ्रिंजिंग कॉपीराइट मटेरियल मिलता है तो उसे कॉन्फिस्केट कर ले और उसके बाद केस चलता है क्रिमिनल कंप्लेंट के तहत, क्रिमिनल केस चलता है जिसमें कि 6 महीने से लगातार 36 महीने का कारावास मतलब कॉपीराइट इंफ्रिंजर को जेल हो सकती है जी, और उसमें 50,000 से लगा के 3,00,000 तक का मॉनेटरी मतलब जुर्माना हो सकता है जी, बिल्कुल। तो इतनी बड़ी पेनल्टी और जुर्माना सिर्फ पुलिस लगा सकती है अगर कोई कॉपीराइट इंफ्रिंज अनऑथराइज तरीके से इल्लीगली कर रहा है तो जी बिल्कुल। उसके बाद इसमें सिविल सूट जो कॉपीराइट ऑनर हैं वो सिविल सूट भी फाइल कर सकते हैं और ये फिर सिविल सूट जो है जैसे कि CPC के तहत केस चलते हैं जिससे कोर्ट पे हाई कोर्ट पे जी, तो इस तरह से वो केस चलते हैं और कॉपीराइट इंफ्रिंजर को वहां भी अगर कोर्ट चाहे तो पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं और जेल भी कर सकते हैं जी बिल्कुल। RP यादव जी, हम कई बार देखते हैं कि कई ऐसी बुक्स लिखी जाती हैं जिन पर फिल्म्स बनती हैं, तो अगर ऐसी कोई किताब हो जिस पर फिल्म बनाई जाए तो जिसने जो किताब लिखी है उस लेखक को रॉयल्टी मिलती है और किस हिसाब से रॉयल्टी का निर्धारण किया जाता है ये भी समझना चाहेंगे। बिल्कुल रॉयल्टी मिलती है, कॉपीराइट एक्ट में ये प्रोविजन है कि अगर आप किसी के स्क्रिप्ट के बेस पे पिक्चर बना रहे हैं या कोई और किसी तरह का सीरियल बना रहे हैं जी, तो ऑथर ऑफ द बुक और नोवेल को रॉयल्टी मिले। जहां तक रॉयल्टी मिलने का कितना मिले ये सवाल है, तो वो दोनों पार्टी के बीच में जो टर्म्स एंड कंडीशन सेटल हो जाती हैं उसी के हिसाब से मिलता है। अब मैं आपको दो एग्जाम्पल देके ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ। एक राइटर है जिनका नाम है मिसेज ज्योति कपूर जी, उन्होंने एक बुक लिखी और कुणाल कोहली साहब ने उनके स्क्रिप्ट को उनके स्क्रिप्ट के बेस पर, चोरी किया नहीं किया ये तो ठीक से नहीं पता, बट उन्होंने उनके स्क्रिप्ट के बेस पर एक पिक्चर बना दी फिर से, आपने सुना होगा नाम, एक पिक्चर बनी फिर से हाँ। और इसमें मिसेज ज्योति कपूर ने केस फाइल किया, सुप्रीम कोर्ट तक ये केस गया अल्टीमेटली, और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने मिस्टर कोहली के ऊपर जुर्माना किया और आप बिलीव नहीं करेंगे 25,00,000 का जुर्माना किया गया कि आपने ये स्क्रिप्ट चोरी किया, इसमें आप 25,00,000 रुपए इनको मॉनेटरी वो जो है कंपेंसेशन दीजिए जी, और उसके बाद ये भी कहा कि मॉरली भी आप इनको कंपेंसेट करेंगे और मॉरली कंपेंसेट करने का तरीका ये बताया गया कि सबसे पहले आप ये एक्नॉलेज करेंगे कि पिक्चर से जो बनी है वो मिसेज ज्योति कपूर के नोवेल के ऊपर बनी है जी, इससे उनको मॉरल राइट भी एक तरह से मॉरल रिकॉग्निशन ही ज्योति कपूर को मिला जी। अब आप अगर देखें एक दूसरा केस है वो आपने सुना होगा 3 8 वाला जी, चेतन इसमें भगत। चेतन भगत जो राइटर हैं उनकी एक किताब है 5.1 जी, उसके बेस पे ये 3 8 बनी और ये तय किया गया कि ये जो जो प्रोड्यूसर है वो जो है इनको पैसे भी देंगे और रिकॉग्नाइज भी करेंगे, यानी कि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ किया गया जी जी जी, बिल्कुल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ किया गया और विनोद चोपड़ा जी ने ये तय किया कि साहब हम फलाफ इतना पैसा देंगे इनको और बिल्कुल बाकायदे इनको
मॉरल राइट मॉरल रिकॉग्निशन भी देंगे और बिगनिंग में ही हम ये एक्नोलेज करेंगे दैट दिस पिक्चर हैज बीन मेड बेस्ड ऑन द नोवेल ऑफ रिटन बाय मिस्टर चेतन भगत 5.1 जी। और ये सब्सिक्वेंटली किसी व्यूअर ने ये देखा कि भाई उसमें वो एक्नोलेजमेंट तो हो ही नहीं रहा, पिक्चर चल रही है लेकिन कहीं ये एक्नोलेज नहीं किया गया दैट दिस हैज बीन मेड बेस्ड ऑन द नोवेल रिटन बाय मिस्टर चेतन भगत 5.1। और ये केस चेतन भगत ने फिर केस फाइल किया इसके लिए कि क्यों नहीं मुझे एक्नोलेज किया जा रहा। और आप बिलीव करेंगी कि इस केस में भी कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भाई जब आपने ये माना है, जब आपने एग्री किया है कि आप उनको मॉरली बूस्टअप करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, तो क्यों नहीं कर रहे। उसके पास से वहां भी यही हुआ कि उनको रिकॉग्नाइज करना पड़ा, वैसे भी वो कर रहे थे, रिकॉग्नाइज कर रहे थे लेकिन कहीं स्लाइड के नीचे थोड़ा सा कहीं वो लिख के आता था छोटा छोटा, जिसको कोई पढ़ पाता था कोई नहीं पढ़ पाता जी जी। लेकिन उसके बाद से उनको बिल्कुल बोल्ड तरीके से लिखना पड़ा दिस पिक्चर हैज बीन मेड बेस्ड ऑन द नोवेल रिटन बाय मिस्टर चेतन भगत 5.1। तो इस तरह की रेमेडीज एक्ट खुद ही प्रोवाइड करता है एंड दे आर अवेलेबल। बिल्कुल आरपी यादव जी, जिस तरह से आपने हमारे दर्शकों को समझाया कि कॉपीराइट एक्ट क्यों बनाया गया, इसका महत्व क्या है, कानूनी तत्व क्या है, उल्लंघन कैसे होता है और क्या कुछ कॉपीराइट के अधिकार हैं, वो हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे से समझाते हुए आपने सारी चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर किया और हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।